हाय दोस्तों, मैं रानी एक नए वीडियो के साथ डैंड्रफ ट्रीटमेंट का। आप लोग देख सकते हैं ये मैडम के बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, बहुत ही ज़्यादा। आइए हम लोग ये डैंड्रफ ट्रीटमेंट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये पूरी तरह कैसे क्लीन होता है। सबसे पहले हम लोग एलोवेरा जेल लेंगे। एलोवेरा जेल में एक विटामिन ई की कैप्सूल और सीरम, जिसको बालों के स्कैल्प में अच्छी तरह पाट पाट करके अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद अब हम लोग बालों में देंगे ओजोन। ओजोन ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा स्कैल्प के लिए, बालों के लिए, जो हेयर फॉल सब बंद करता है, डैंड्रफ हटाता है, अच्छा होता है। पूरे बालों में ओजोन लगाएंगे। ओजोन देने के बाद हेयर को फोर्स सेक्शन करके नॉर्मली लॉरियल प्रोफेशनल हेयर स्पा से हेयर स्पा करेंगे। जिस तरह से नॉर्मल हेयर स्पा करते हैं, जैसे आप लोग स्कल्प में भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेल लगा हुआ है, उसके ऊपर से ही अप्लाई कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से अप्लाई करके अच्छी तरह बालों के रूट तक लगाना है, टिप तक लगाना है पूरे बालों में। उसके बाद स्पेसिफाई करके अच्छी तरह से मसाज देना है। मसाज लगभग 5 से 10 मिनट आप दे सकते हैं। उसके बाद अच्छी तरह से स्टीम देना है। अगर हेयर वर्जिन है तो आप 5 से 10 मिनट हेयर में स्टीम दे सकते हैं, और कलर अप्लाई किया हुआ है तो ना ही भी देंगे तो भी चलेगा। रिजल्ट आपके सामने है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बालों में बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और हाईलाइट करने के बावजूद इनकी बाल बहुत सिल्क और बहुत सॉफ्ट हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लेस आया है, पूरा स्ट्रेट हेयर है और पूरे हेयर में हाईलाइट है, फिर भी हेयर कहीं से डैमेज नहीं है। ये ट्रीटमेंट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, डैंड्रफ के लिए बहुत ही अच्छा और सस्ता भी है। मैं रानी आपके लिए नए नए वीडियोस लाती रहूँगी। टाटा बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।